हमने अभी मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये सब कुछ करा। उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर वन, कैसे देखना है? इफ एक्स, एक्स दिया गया है इसमें, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, वाई इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस, देन लैम्डा एम इज गिवन। लैम्डा एम मीन्स मोलर कंडक्टिविटी। कैसे हम देखते हैं? मुझे यहां जो एक्स दिया है वो है सेंटीमीटर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होगी आपके पास? सीजीएस में दिया गया है, यानी आपके पास है ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, यस आप जानते हैं। तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, सारा क्वेश्चन सीजीएस में है ये मानते हुए, तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हम अच्छे से जानते हैं, कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन एम। आपको क्या दिया हुआ है? कप्पा, कप्पा आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एक्स, यानी वन बाई एक्स। कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है और आपको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, यानी आपको जस्ट इन्वर्स करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन एम। एम आपको क्या दिया गया है यहां पर, यानी कंसंट्रेशन मोलरिटी में क्या दी गई है? वाई। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी? 1000 अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो मेरे पास 1000 अपॉन एक्स वाई आंसर कौन सा जाएगा? सी। क्लियर है? अब आगे, द डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है ऑफ एन ब्यूटाइक एसिड, या ब्यूटेरिक एसिड है वो, इज दिस द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट। दिस हमें पूरा क्वेश्चन एमकेएस में दिया गया है, कैसे पता चला? मीटर देखकर। अब आगे, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 एम एसिड, तो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैंने वो अंडर मार्क कर लिए, अंडरलाइन। तो यहां पर एक तो ये है कि कंसंट्रेशन दी है, ये दिया है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है। इससे पता चल रहा है कि हमारा जो ब्यूटेरिक एसिड है वो वीक एसिड का काम कर रहा है। आप पहले तो फॉर्मूला लिखें, लैम्डा एम इक्वल टू क्या होगा? कप्पा मल्टीप्लाई बाय, नहीं आएगा, डिवाइड जाएगा 1000, क्योंकि एम केस में है, कप्पा अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय 1000। बोलो यस। ये हो गया हमारे पास, कप्पा की वैल्यू सब दी गई है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें लैम्डा एम की वैल्यू रखनी है। क्या है लैम्डा एम की वैल्यू? 380 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू, कप्पा दिया हुआ है आपको, ध्यान से देखिए, नहीं आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कप्पा तो आपसे पूछा जा रहा है। अब आगे, एम मोलरिटी आपको दी गई है 0.01 एम, लेकिन वीक दिया हुआ है, और जब भी वीक होता है तो जो हमारे डिसोशिएट मोलरिटी है वो होगी हमारे पास एक तरह से गिवन, कंसंट्रेशंस मल्टीप्लाई बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोशिएट होने के बाद जो कंसंट्रेशंस आ रही है आयंस की वजह से वो ये है, और मल्टीप्लाई बाय 1000 हमारे पास नीचे ही आएगा। क्या हम ये कप्पा की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर? हाँ, कप्पा की वैल्यू हमारे, नहीं कप्पा की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.01 रूट में। तो ये हमारे पास हो गया 0.01, के ए की वैल्यू हमारे पास हो रही है 1.6 इंटू 10⁵, और 1000 हमारे पास नीचे ही है, तो 1000 हमारे पास नीचे है, ये हमारे पास 380 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। इससे हम जब के निकालेंगे तो वो हमारे पास के की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी, ये निकालिए इसको। ये एक और एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड, देखते हैं आपको क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। रेसिस्टेंस दिया है इस कंसंट्रेशन पर आपको 50 ओम, ध्यान से देखिएगा, यानी ये कंसंट्रेशन पे 50 ओम आपको रेसिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। इसकी मदद से हम
कप्पा निकाल लेंगे, और वो कप्पा हमें यहां रख, इसकी मदद से हम सेल कांस्टेंट निकालेंगे। वो सेल कांस्टेंट को हमें इस जगह यूज करना है, सेकंड एप्लीकेशन में। मैंने आपको बताया है कि सेल कांस्टेंट एक इलेक्ट्रोलाइट सेल के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले, सेल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और सेल कांस्टेंट रिप्रेजेंट करा जाता है जी स्टार, जिसकी वैल्यू होती है एल बाई ए। तो क्या हम सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं इन दोनों की मदद से, इन इसकी और एक और चाहिए हमें इसके। क्या कंसंट्रेशन का कोई रोल होगा सेल कांस्टेंट में? नहीं। तो कैसे निकालते हैं? हमें मालूम है कप्पा इक्वल टू जी जी स्टार, बोलो यस। तो कप्पा इक्वल टू जी जी स्टार, हमारे को यहां पर इसकी जरूरत ही नहीं है, एक्चुअल में सिर्फ डराने के लिए दिया गया है। तो कप्पा की वैल्यू क्या दी गई है आपको, एक बार और देखते हैं। कप्पा की वैल्यू आपको दी गई है यहां पर जी जी स्टार, और कप्पा की वैल्यू है हमारे पास 1.4, जी की वैल्यू दी गई है 1/50, जी स्टार की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और जी स्टार की वैल्यू हमारे पास आएगी इस जगह 1.4 इंटू 50। इज दैट क्लियर? अब आगे, ये हमने जी स्टार की वैल्यू निकाली है। अगला पार्ट जो दिया गया है उसमें कंसंट्रेशन है, रेसिस्टेंस है, और मोलर कंडक्टिविटी पूछी जा रही है आपसे, वो भी एम के एस में। कैसे पता चला? मीटर स्क्वायर देखकर। तो अब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे इस जगह, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 नीचे आएगा एम के एस की वजह से, और लैम्डा एम की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या आप कप्पा को यहां पर जी जी स्टार लिख सकते हैं? हाँ, और एम की जगह एम, और 1000 की जगह 1000 हमारे पास रहेगा। तो हमारे पास इस जगह स्पेशली जी की वैल्यू हमारे को क्या दी गई है, जी नहीं दिया गया है, हमें आर दिया गया है। तो ये 280 रहेगा हमारे पास आर से जी, और जी स्टार ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1.4 इंटू 10 पावर माइनस, नहीं 50, डायरेक्ट दिया हुआ है 50। तो ये हमारे पास 50 हो चुका है, और आगे एम की वैल्यू हमारे को दी गई है 0.5। तो ये 0.5 दिया गया है, और हमारे पास 1000 हमारे पास वैल्यू दी गई है। इन कैलकुलेशन से हमारे पास ये वैल्यू आएगी टोटल नेट क्रॉस करने पे 10 5 × 10 पावर माइनस 4 साइमन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको करें आप, हाँ। तो मित्रों वापिस प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके हैं, 4 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है एक बार देखिए, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है नहीं मालूम, देखना पड़ेगा। कहाँ दिया है? 210, बिल्कुल यहां दिया हुआ है। और टेम्परेचर दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दी हुई है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा जा रहा है, और सेल कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। तो ये सब चीजें जब देखी जा रही है तो एक ही फॉर्मूला याद आता है, वो है इन सबको रिलेट करने वाला, लैम्डा एन इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन एन। 1000 ऊपर क्योंकि सीजीएस में दिया हुआ है, कप्पा कप्पा इक्वल टू, डायरेक्ट कप्पा नहीं दिया हुआ है आपको, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इसका मतलब आपको जी यूज करना पड़ेगा। तो कप्पा कैसे करेंगे आप? जी जी स्टार, और जी की वैल्यू होती है आपके पास 1/r, जी स्टार आपको दिया गया है, तो आप कप्पा को जी जी स्टार के फॉर्मेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन एन। एन की वैल्यू आपको दी गई है, एक एक करके वैल्यूज रखते जाते हैं, 1/r यानी 210, जी स्टार सेल कांस्टेंट दे रखा है 0.88, 1000 ये हमने वैल्यूज रखी, अपॉन एन। एन नॉर्मलिटी है, क्या दिया हुआ है नॉर्मलिटी? 0.0, 0.01। सिंपल कैलकुलेशन से आपने ये कैलकुलेशन किया, आपके पास ये वैल्यू आ रही है 419, और यूनिट क्या बनेगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस है, हमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बहुत सारी चीजें हैं जिनका यूज नहीं हुआ होगा, जैसे टेम्परेचर है, ठीक है दिया है, यूज करना नहीं करना, नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूले में टेम्परेचर वाला वर्ड कहीं आ नहीं रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशंस। मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है इतना, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी
आपको दी गई है और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी आपसे पूछी जा रही है। करते जाते हैं एक एक करके। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमें मालूम है, लैम्डा एम इक्वल टू, पूरा क्वेश्चन सीजीएस में, तो कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन एम। क्या आपको कप्पा मालूम है? देखते हैं। नहीं, पूछा जा रहा है कप्पा 1000। क्या आपको एम मालूम है? हाँ। क्या दिया हुआ है? 0.1। लैम्डा एम आपको क्या दिया हुआ है? 4.6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करा आपने कप्पा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 10 की पावर -4, तो ये मेरे पास है 4.6 × 10 पावर -4 यूनिट क्या आएगी? बिल्कुल हमारे पास कप्पा की वैल्यू आएगी और वो यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सीजीएस वाली। इजी है, बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मूला वैसे। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? ये तो हुआ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कप्पा, अब पूछा जाता है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी यानी कि रो, आपके पास क्या होता है? 1/k। आपको कुछ ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, सिर्फ इस वैल्यू को इन्वर्स करना है 4.6 × 10 पावर -4, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास अब ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। इजी, वेरी इजी। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2174। करिए इसको। हाँ, तो बच्चों हमने जो अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल की हम प्रैक्टिस करते हैं वन बाय वन, और हमने बहुत अच्छे एग्जाम्पल यहाँ सेलेक्ट किए हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया गया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है AgCl का, ठीक है, और टेम्परेचर दिया गया है, इसके साथ स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा भी दिया गया है। क्या वैल्यू दी गई है कप्पा की? 1.12 × 10 पावर -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमें दिया गया है वो इंडिविजुअल Ag प्लस और Cl माइनस की मोलर कंडक्टिविटी दी गई है आपको, और कोलराश लो को लगाते हुए हमें यहां पर इन दोनों के साथ लैम्डा नॉट AgCl निकालना है। हम लैम्डा नॉट भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। AgCl कैसे निकालेंगे? लैम्डा इनफाइनाइट Ag प्लस आयन इंड्यूसल माइग्रेशन लो लगाते हुए ऑफ आयन का। तो बताइए आप Ag प्लस के लिए आपके पास क्या है यहाँ पर? क्वांटिटी कितनी दे रखी है, वैल्यू कितनी दे रखी है? 54.3 प्लस 65.5, इन दोनों का समेशंस करते ही 119.8 आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये आपने इनफाइनाइट निकाल दिया। इन दोनों के साथ जो रिलेशन है वो आप अच्छे से जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि सीजीएस में पूरा क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। और नीचे क्या लगाएंगे? मोलरिटी, उसको आप सॉल्युबिलिटी भी लिख सकते हैं अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और वो दिया गया है। इन सभी वैल्यूज को आप रखते हैं, आपको मोलर कंडक्टिविटी क्या निकाली आपने? 119.8 इज इक्वल टू कप्पा, कप्पा की वैल्यू आपको दी गई है 1.12 × 10 पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपने 1000 कर दिया, डिवाइडेड बाय आपको सॉल्युबिलिटी है, और वो सॉल्युबिलिटी आप जब निकालेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है 9.3 × 10 पावर -12। ये वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पर 12 नहीं आएगी, 6 आएगी। ये तो है सॉल्युबिलिटी। हमने पढ़ा है AgCl जो कि AB टाइप है, उसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ksp की वैल्यू क्या होती है? S² यानी 9.3 × 10 पावर -6 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 87 × 10 पावर -12, यूनिट बनेगी मोल पर लीटर पावर 2। ये हमारा आंसर है, बहुत सही क्वेश्चन है, अच्छा एग्जांपल है, बहुत सारे पॉइंट्स को हमने इसमें इन्वॉल्व किया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF हमारे को दिया गया है, इस वीक एसिड, वीक एसिड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मोलर कंडक्टिविटी हमें दी गई है। हमें क्या दिया गया है? लैम्डा एम दिया हुआ है।
कितना दिया हुआ है, 0.002 m दिया गया है, ये तो कंसंट्रेशन है। हमें दिया गया है लैम्डा एम की वैल्यू 176.2, और लैम्डा एम इनफाइनाइट हमें दिया गया है 405.2। इससे मुझे अल्फा मिल जाएगा, क्या मिलेगा अल्फा, इन दोनों का डिवाइड करेंगे 176.2 डिवाइडेड बाय 405.2, जो वैल्यू मुझे कैलकुलेट करने पे लमसम 0.4348 मिल रही है। ठीक है, क्लियर है, अल्फा मेरे पास मिल चुका है। सी मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है 0.002 m। यस, मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है एचएफ के लिए, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, बहुत इजी है। आप इसके लिए लगा सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। जनरली अल्फा बहुत कम होता है, हम नेकलेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ अल्फा हमारे पास 0.43 आ रहा है, तो नेकलेट होगा क्या, नहीं। तो आप कैसे करेंगे, सी की वैल्यू 0.002, अल्फा की वैल्यू 0.4348 स्क्वायर 1 - अल्फा, अल्फा की वैल्यू वापिस हमारे पास 0.4348, और जब ये कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 6.7 × 10⁻⁴ आएगी, और यही हमारा आंसर होगा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको लिखिए, अच्छा एग्जांपल है, ठीक करें। हाँ तो बच्चों, ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं कोलराज फ्लो के लिए, एक एक करके करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या कह रहा है ये, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर एस सी एल एन ए सी एल और दिस दिया गया है ये, ठीक है, रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर एसिडिक एसिड। तो मुझे क्या निकालना है, लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या निकालना है, सी एस सी सी डबल ओ एच के लिए, बोलो यस। तो वो कंपाउंड पकड़ो जिसमें सी एस सी सी डबल ओ है, वो ये है, तो ये तो प्लस में आएगा, यानी कि सी एस सी सी डबल ओ एन ए, ये प्लस में आएगा। फिर वो पकड़िए जिसमें एच है, और एच है एच सी एल वाला, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए प्लस में आएगा। फिर माइनस NaCl, जो हमारे को हटाने, जो एक्स्ट्रा आयन है, NaCl मेन कंपाउंड में नहीं है, हटा दीजिए, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या है, इस कंपाउंड को देख के थर्ड नंबर पर है, यानी कि हमारे लिए क्या है ये वैल्यू 91। ये वैल्यू क्या है HCl फर्स्ट नंबर पे 426.1, माइनस NaCl बीच में है 126.5, ठीक है, कैलकुलेशंस किया 390.6 हमारे पास आ रहा है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारे पास क्या आ गया लैम्डा एम इनफाइनाइट। मैंने आपको बताया अल्फा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, दोनों वैल्यू हमें मालूम है 390.6, ये तो इनफाइनाइट है, और दिया क्या है लैम्डा एम की वैल्यू किसी पर्टिकुलर अमाउंट पर हमें दी गई है 48.15 और डिवाइडेड बाय 390.6, कैलकुलेट किया 0.1228, राउंड फिगर में इसको मैं 12.2% में लिख देता हूँ, 12.3% परसेंट में कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो हमारे लिए अल्फा ये भी है और परसेंटेज में ये भी है, अच्छा एग्जांपल है, चलिए इसको देखते हैं। ये दूसरा एग्जांपल सेम पैटर्न, आई थिंक सिमिलर ही है, एन ओ एच दिया है, एन ए सी एल दिया है और बी ए सी एल टू दिया है, और आयनिक कंडक्टिविटीज पूछ रहा है हमारे लिए किसके लिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इतना, ठीक है, और ये दी गई है, ये दी गई है, ये दी गई है, मो यानी साइमन, मो को साइमन ही बोलते हैं हम, मो यानी साइमन, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, देखते हैं। और कंडक्टिविटी बेरियम हाइड्रोक्साइड की पूछा जा रहा है, तो लैम्डा इनफाइनाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2,
तो मैं लैम्डा इनफाइनाइट किसके लिए निकालूंगा, बी ए, बी ए का कौन सा सॉल्ट है हमारे पास, बी ए सी एल टू प्लस, लैम्डा इनफाइनाइट, ओ एच का कौन सा सॉल्ट है, एन ओ एच, लेकिन मुझे दो ओ एच चाहिए, एन ओ एच में एक ही है, प्लस टू, माइनस लैम्डा, जो आयन हमने जबरदस्ती लिख लिए उन्हें हटाओ, एन ए सी एल माइनस, वैल्यूज रखो, बी ए सी एल टू की हमारे पास वैल्यू क्या है, 280, ध्यान से देखिए हमारे पास 280.0 इंटू 10^-4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 248, 248.1 इंटू 10^-4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, बची हुई वैल्यू रखनी है हमारे को, 126.5 इंटू 10^-4, इन सबको कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 523.2 इंटू 10^-4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इज दैट क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है, लिखिए इसको।